हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर चैनल फूड सेशंस। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम बनाएंगे इमली की चटनी। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम आपको अब दिखाएंगे। सबसे पहले इमली जो हम यूज़ करेंगे 400 ग्राम इमली हम यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हम यूज़ करेंगे आधा टीस्पून रेड मिर्च, लाल मिर्च यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ काली मिर्च, वो भी आधा टीस्पून हम यूज़ करेंगे। एक टेबलस्पून हम यूज़ करेंगे नमक एंड 3 टेबलस्पून यूज़ हम करेंगे चीनी। या वो आप पे भी डिपेंड करता है, चीनी आपने ज़्यादा डालनी है कम, आपने अपनी जो चटनी ज़्यादा खट्टी बनानी है या ज़्यादा मीठी, उस पर डिपेंड करता है। और हम वाटर का इस्तेमाल भी करेंगे, तकरीबन हम यूज़ करेंगे 3 कप पानी। सो लेट गेट्स स्टार्टेड। सो अब हम शुरू करते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले पानी डालेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया था तकरीबन 3 कप या उतना के आपकी इमली जो है पूरी डिप हो जाए पानी के अंदर। इसलिए जिस तरह देख सकते हैं ये पानी भी कम है, इसके लिए हम पानी और डालेंगे। तो इसलिए हम पानी और डालेंगे, अब प्रॉपर डिप हो गई है। अब हम इसे पकाएंगे तकरीबन आधा पौना घंटा के इमली खुल जाए और सही तरह मिक्स हो जाए। तो मिलते हैं फिर आपसे बाद में, से ट्यून्ड। जिस तरह आप देख सकते हैं इमली जो है सारी खुल चुकी है, सारी रिजॉल्व हो गई है हमारे वाटर के अंदर। और अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। और याद रखिएगा कि इमली का जो ये आधा घंटा था ये हमने धीमी आँच पर पकाना है। जैसे मैंने आपको बताया था, हम ऐड करेंगे आधा टीस्पून रेड मिर्च, आधा टीस्पून हम डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च, हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून नमक इसमें, सॉल्ट और 3 टेबलस्पून डालेंगे शुगर। हम इसे ज़रा मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और अभी से हमने धीमी आंच में फिर से 2-4 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो हमने अब ऐड की है सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो मिलते हैं आपसे 2 मिनट तक। तो जिस तरह आप देख सकते हैं जो सारे हमने इसके अंदर मसाले ऐड किए थे वो अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि बाद में हमने हाथ के साथ जो गुठलियां हैं इमली की वो जुदा करनी है। तो इसलिए अब हम वेट करेंगे कि जो इमली की हमने सॉस तैयार की है ये ठंडी हो जाए। सो गाइस, जिस तरह हम देख सकते हैं हमारी जो इमली की चटनी है वो अब ठंडी हो चुकी है। और अब हमने इसमें से जो गुठली हैं वो निकालनी है और अलग करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो जैसे आप देख सकते हैं हमने सारी जो गुठलियाँ थी वो अलग कर ली और जो हमारी बाकी सॉस है वो ये है। इसके अंदर अभी जो स्किन है गुठलियों की वो इसके अंदर शामिल है, तो इसलिए अब हम इसे हैंड मिक्सर ग्राइंड करेंगे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते रहेंगे। सो जैसे आप देख सकते हैं हमारी इमली की चटनी हो गई है तैयार।
इसे हम डिफरेंट चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे समोसे या दही बल्ले या डिफरेंट टाइप ऑफ कटलेट्स या और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें जिसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।